चिंगड़ी मच्छी है, 400 ग्राम था। इसका छिलका छील के धो के साफ करके रखी हूँ। 2 मीडियम साइज टमाटर, उसको बारीक चॉपिंग कर ली हूँ। 2 बड़ा साइज का प्याज, उसको भी बारीक चॉपिंग कर ली हूँ। 1 इंच अदरक, 10 लहसुन के कलियाँ और 4 हरी मिर्च को पीस के रखी हूँ। 3 चम्मच दही है, खट्टा दही, इसको फेंट के रखी हूँ। और चाहे नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाले 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और शक्कर चाहिए 1 चम्मच और रिफाइन ऑयल चाहिए 6 चम्मच। अब मैं 3 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मेरा गरम होगा, अब गैस मेरा हाई फ्लेम में रहेगा। तीखा हमें इधर हरी मिर्च यूज़ की हूँ, आप आपके हिसाब से कीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। अब मैं चिंगी मच्छी को दे दूँगी। मच्छी को अच्छे से भून लेना है। वह इसमें मैं 1/4 चम्मच नमक और ज़रा सी हल्दी पाउडर दे के तो अच्छे से भून लूँगी, मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके चिंगी मच्छी को भूनना है अच्छे से। देखिए दोस्तों, चिंगड़ी मच्छी मेरा भुना हो गया है। अब मैं चिंगड़ी को निकाल लूँगी, मच्छी को देखिए, कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लूँगी। देखिए अब मैं फिर से कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। तेल मेरा अच्छे से गरम होगा। इसमें प्याज दे दूँगी। प्याज को सुनहरा होने तक भूनना है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अच्छे से इसको मिक्स करके सुनहरा होने तक हो गया है मेरा प्याज भुना। अब मैं इसमें टमाटर दे दूंगी, देखिए अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं नमक दे दूंगी, स्वाद अनुसार। नमक डाल देने से टमाटर जल्दी गल जाता है। देखिए अच्छे से मिक्स करके अब मैं ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए गैस को लो कर दूंगी। लो करके इसको ढक के 2 मिनट पका लूंगी। देखिए दोस्तों 2 मिनट मेरा हो गया है और इधर टमाटर भी अच्छे से गल गया है। अब इसमें मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी। डाल के इसके कच्चापन जाने तक अच्छे से भून लूँगी। देखिए अब गैस मेरा मीडियम रहेगा। अब ढक के इसको थोड़ा देर पका लेना है। देखिए दोस्तों अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मेरा लहसुन और अदरक पक गया है, हरी मिर्च। अब मैं इसमें खड़ा मसाला डाल दूंगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल के खड़ा मसाला को भी थोड़ा देर पका लूंगी अच्छे से। देखिए ऐसे ही इसको तो भी ढक दूंगी थोड़ा देर के लिए। देखिए दोस्तों मसाला मेरा पक के तैयार हो गया है। अब मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए अब इसमें मैं दही को डाल दूँगी। दही डाल के गैस मेरा हाई फ्लेम में ही रहेगा। अब थोड़ा देर इसको चलाते रहना है। ये चिंगड़ी करी को आप चावल के साथ
पराठे के साथ, रोटी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें एक चम्मच शक्कर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें दही डाली हूँ, खट्टा को बैलेंस करने के लिए शक्कर डालने से अच्छा रहता है। देखिए दोस्तों, अब मैं चिंगरी को भी डाल दी हूँ, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके इसको भी मसाला के साथ अच्छे से 2 मिनट तक पका लूँगी। देखिए इसको भी ढक के 2 मिनट तक मैं पका ली हूँ। अब मैं फिर से एक बार मिक्स कर लूँगी। ऐसे मिक्स कर लेना है। अब जो कढ़ाई धो के मैं पानी रखी थी वो डाल दूँगी। डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें और थोड़ा पानी लगेगा। देखिए दोस्तों, और थोड़ा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा कटोरी जैसा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके अब गरम मसाला दे दूँगी इसमें, 1/4 चम्मच गरम मसाला लगेगा। देखिए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके अब ढक्कन ढक दूंगी इसको। ढक के इसको 1 मिनट के लिए लो गैस में पका लूँगी। देखिए दोस्तों, मेरा 1 मिनट हो गया है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके उतार लूँगी, गैस में बंद कर दी हूँ। आप लोग भी बनाइए, बनाकर खाइए, और कैसा बना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।